सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ सर्वाइवल सीरीज़। तो आप सबका स्वागत है एक नए एपिसोड में। लेकिन कल गाइस मैं वीडियो इसलिए नहीं डाला, आपको जैसे मालूम होगा पॉकेट एडिशन में थोड़े बड़े काम करने के लिए हमें बहुत टाइम लगता है। पॉकेट एडिशन में जल्दी जल्दी हर चीज़ नहीं होता है, बहुत ही प्रॉब्लम होता है पॉकेट एडिशन में। तो मेरे साथ भी वही हुआ। मैं जो नेक्स्ट चीज़ करना चाहता था, मैं फोर्ट्रेस फाइंड आउट कर लिया था। मुझे फोर्ट्रेस जाने के लिए वे बनाना था, लेकिन वो वे बनाने में बहुत टाइम लगा, बहुत क्लीन करने में टाइम लगा, और वो मेरा कंप्लीट नहीं हुआ था। और थोड़ा मेरा हेल्थ भी लेफ्ट राइट हुआ पर है, तो इसलिए गाइस कल वीडियो नहीं आया था। लेकिन अभी मैं कंप्लीट कर चुका हूँ और आज हम जाने वाले हैं नेदर फोर्ट्रेस, जो मुझे मिल चुका है। लेकिन उससे पहले गाइस, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करो, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, वो बहुत मोटिवेट करता है हमें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम लोग चलते हैं नेदर फोर्ट्रेस। तो गाइस मैं FPP में आ गया हूँ और अभी हम लोग चलते हैं। लेकिन उससे पहले हमें थोड़े बहुत सामान लेने हैं, क्योंकि उधर हमें थोड़े स्ट्रांग मतलब वेपन्स चाहिए। तो हमें डायमंड का हमारा स्वॉर्ड ले जा रहा हूँ, और आर्मर तो मैं आयरन का ही पहन के जाऊँगा, मैं डायमंड का नहीं ले जा रहा। स्वॉर्ड हम लोग बना लेंगे, मेरे पास अभी और भी डायमंड मिला है। नीचे मैं और भी माइनिंग कर रहा हूँ, तो मुझे और भी डायमंड मिले मैं आपको दिखाऊंगा। मैं बहुत ही इंसेंट डायमंड बोल रहा हूँ, माइनिंग कर रहा हूँ डायमंड्स की, तो दिखाएंगे। और इधर कोल नहीं है, तो इधर कोल रख देते हैं। वैसे तो सब चीज़ें हैं, मैं ज़्यादा सामान भी नहीं ले जाऊँगा अपने साथ, क्योंकि मुझे मालूम है, जितना मुझे मालूम है कि मैं उधर जाऊँगा और मैं मर जाऊँगा, मुझे भी ये मालूम है। तो अभी चलते हैं जल्दी से, और मैं आपको एक बार सब चीज़ दिखा देता हूँ। आपको इधर कुछ तो डिफरेंस देखो, डिफरेंस लग रहा है पहले, तो मैं आपको चल के उधर ही दिखाता हूँ एक बार। आप लोगों को थोड़ा इधर डिफरेंस लग रहा है, मैं थोड़ा बहुत चेंजेस किया हूँ, क्योंकि इधर मैं बहुत ही चीज़ एक बहुत बड़ा चीज़ बनाने वाला हूँ। तो गाइस इधर हमारा था क्या बोलते हैं भाई उसे, नेदर पोर्टल था हमारा, इधर नाम ही भूल जा रहा हूँ, उधर ही जा रहा हूँ मैं। तो इधर पूरा था, तो मैं इसको पूरा लेयरिंग कर दिया, बहुत टाइम लगा इसे भी करने के लिए। तो इधर मैं लेयरिंग कर दिया, मैं इधर इसलिए किया हूँ क्योंकि मैं सोच रहा हूँ या विलेजर्स के लिए मॉडर्न हाउस बनाऊँगा बहुत बड़ा, वो इधर हो सकता है या इस साइड हो सकता है हमारे XP फार्म के पास। और उधर XP फार्म में लग रहा है कुछ आया है, तो चल के हम लोग उसे भी कलेक्ट कर लेते हैं। तो स्वॉर्ड से मारूंगा मैं, पहली बार ये डायमंड स्वॉर्ड यूज़ कर रहा हूँ, मतलब इससे पहले एक बार या दो बार किया हूँ। तो अभी यहाँ मारते हैं। डायमंड का एक ही है कि इसका जल्दी वो नहीं होता डैमेज, इसको हम लोग एन्चेंट करेंगे तो और भी हमें बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। मैं लेकिन किया नहीं हूँ अभी तक एन्चेंट, तो इधर ही मैं अपना सोच रहा हूँ कि मॉडर्न हाउस बनाऊँ और कैसल भी बनाऊँगा। वो कैसल का डिज़ाइन सब रेडी है, उसको भी बनाएंगे हम लोग बहुत जल्दी। वो इधर नहीं बनाऊँगा मैं, हमारे आयरन फार्म के साइड उधर बनाऊँगा या उसी साइड। और गाइस मुझे उधर एक और रियून नेदर पोर्टल मिला है, मैं जब उधर घूम रहा था तो उधर मुझे एक और रियून नेदर पोर्टल मिला है। और उधर भी उधर कुछ खास लूट नहीं मिला मुझे, बस आयरन के इंगट मिले, बस उससे ज़्यादा नहीं। और यह हमारा ये कोबल स्टोन का हमारा जनरेटर, अभी मैं कर नहीं रहा हूँ क्योंकि मुझे अभी अभी उतने कोबल स्टोन की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं नीचे माइनिंग कर रहा था। मैं बोला था मैं माइनिंग नहीं करूँगा, लेकिन मैं सोचा कि माइनिंग कर लेते। और एक बार आपको वूल भी दिखा दूँ, बहुत अच्छा काम कर रहा हमारा। देखो एक स्टैक ऑलरेडी हो चुका है और दूसरा स्टैक भी आधा हो चुका है, ये भी बहुत जल्दी, दो ही हमारे पास सिर्फ सिप है और ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। तो हमारा ऑलमोस्ट सब चीज़ अच्छा काम कर रहा है, बस एक शुगर केन फार्म वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा, पता नहीं उसमें क्या प्रॉब्लम है, मतलब वो काम नहीं कर रहा है। लेकिन कोई नहीं, उसको खाने की ज़रूरत है, उसमें बोन मिल डालूंगा मैं, बोन बहुत ज़्यादा हो चुके हैं मेरे पास। तो लेकिन वो सब बाद में, अभी हम लोग जाएंगे नेदर फोर्ट्रेस, जो मैं सर्च कर चुका हूँ। मतलब मुझे लग रहा था मैं घटिया नेदर वर्ल्ड में मिला है मुझे एक नंबर का, लेकिन नेदर वर्ल्ड मुझे बहुत ही अच्छा मिला है। और मैं एक चीज़ भूल गया हूँ इसलिए मैं वापस जा रहा हूँ, वो है हमारा गोल्ड का ड्रेस। विदाउट गोल्ड मैं नहीं जाने वाला, मैं एक बार गलती कर चुका हूँ और मैं उसका बहुत भरा। मेरा एक डायमंड का पिकैक्स वो उधर ही मैं लावा में गिरा। एक्चुअली क्या हुआ, मैं जैसे उधर गया वो सब लोग मेरे पे ये ऐसे अटैक किए कि मैं सोचा ये क्या है, और मैं वापस नेदर में भागा। और नेदर में आपको मालूम है थोड़ा टाइम लगता है हमें टेलीपोर्ट करने के लिए, और वो लोग मेरा उधर कीमा कर दिए, मतलब काम ख़त्म कर दिए। तो अभी हम लोग सबसे छोटा चीज़ बनाएंगे हेलमेट, में सोच रहा हूँ एक बार देख लेते किस में कितना मतलब गोल्ड लगता है। वैसे गोल्ड नेदर में हमें बहुत मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं सोच रहा हूँ हेलमेट बना लेता हूँ एक हेलमेट, और अच्छा भी लगेगा मेरा पूरा डायमंड क्यों भाई, आयरन का आर्मर है और ऊपर हेलमेट गोल्ड का, बहुत ही अच्छा लगेगा देखने में। तो ये सब रख देते एक्स्ट्रा चीज़ें, मैं ज़्यादा सामान, मुझे मालूम है मैं जाऊँगा और मैं मरूँगा, क्योंकि
मुझे उतना नेदर में एक्सपीरियंस नहीं है, मालूम नहीं नेदर में कैसे खेलते हैं, मैं सीख लूँगा वो भी बहुत जल्दी बार बार मर के। तो कोई नहीं, हम जाएंगे अभी। तो सब चीज़ ले लिए, मैं थोड़ा ये एक्स रख देता हूँ, इनका कोई काम नहीं है। मैं एरो भी ले ले जाऊँ, मतलब वो जो हवा में पता नहीं ये चिल्लाते रहता है, आग फेंकता है, उसको मारने के लिए, क्योंकि लास्ट टाइम वो मेरे पे, मैं रोड बना रहा था वही नेदर फोर्ट्रेस को कनेक्ट करने के लिए, और वो मेरे पे एक आग फेंका और वो पूरा रोड जो बना रहा था वो टूट गया था और बचा नहीं कुछ भी मेरा सामान। तो इस बार मैं पूरा देख के जा रहा हूँ, मैं इस बार साइड में ऊपर पूरा वॉल बना लिया हूँ कि वो लोग मेरे पे फायर ना फेंक पाए। और अब चलते हैं, ये देखो भाई ऐसे ही गिर जाता है हम लोग। उधर तो लावा था सामने नेदर, मतलब जो भी है वो बना है पोर्टल, लेकिन उधर भी मैं फिलअप कर दिया हूँ। तो अभी दिखाते हैं, ये देखो गाइस, ये पूरा मैं फिलअप कर दिया हूँ, ऐसे वॉल बना दिया हूँ। लास्ट टाइम पहले तो आते ही मेरे को जगह भी नहीं मिलता था भागने के लिए, अभी तो कम से कम यहाँ आऊँगा तो मैं सेफ भी रहूँगा। ये बनाने के लिए आप सोच भी नहीं सकते कितना टाइम कितना वो लगा है इसको। तो इसके लिए गाइस एक लाइक तो बनता ही है, लाइक करना मोटिवेट करता है ऐसे और हार्डवर्क करने के लिए। तो अभी ये ऊपर ही कहीं घूम रहा है, पता नहीं दिख नहीं रहा है, तो चलो अभी नहीं दिख रहा है तो नहीं मारेंगे और चल। अरे मुझे एक और काम याद आ गया, रुको ये बंद करो पहले। हमें मतलब गोल्ड का लाया हूँ और पहना नहीं हूँ तो उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है, मार देंगे मुझे। तो अभी गोल्ड का पहन लिया हूँ मैं और अब चलते हैं। अभी आई थिंक सो ये लोग नहीं मारते, वो लोग थोड़े रेड कलर में होते हैं, पिगलियंस, आई थिंक सो पिगलियंस ही कहते हैं। और पहले इसको देखते किधर है, इधर ये रहा, रुको इसको मार के ही जाऊँगा मैं, ट्राई करता हूँ मारने का, लगेगा या नहीं। एरो भी मैं बहुत कम चलाता हूँ, ये नहीं लगा, मतलब मुझे टाइम लगेगा इस सीखने में चलाने को। ये लगा और ये मर भी गया, बहुत अच्छा। अरे अरे नीचे मार देता हूँ, कलेक्ट हो जाएगा। एक चीज़ ये अच्छा है कि इसको मारने से हम कलेक्ट भी कर सकते हैं फिर से, तो ये बहुत ही अच्छा है। तो चलिए अभी इधर का काम हो गया है और ये मुझे आगे का थोड़ा और भी बनाना है। मैं यहाँ टॉर्च लगाती है, मैं सोचा कि ये लोग यहाँ स्पॉन नहीं होंगे, लेकिन ये लोग अभी भी स्पॉन हो रहे हैं। और ऐसे ही ये लोग मेरे पे अटैक भी नहीं करते, ये लोग अच्छे लोग हैं, जब तक इनको मारोगे नहीं ये नहीं मारेंगे। लेकिन वो दूसरे वाले पिगलियंस जो होते हैं वो विदाउट गोल्ड आओ तो पीछे पड़ जाते हैं बहुत बुरी तरीके से। और इसको रुको मैं मारता हूँ, ये पता नहीं क्या है। अरे यार ये तो डैमेज कर रहा है, इसको मारता हूँ रुको। पहले मुझे लगा ये स्लाइम जैसे, स्लाइम आई थिंक सो डैमेज नहीं करते, मुझे तो अभी तक डैमेज नहीं किए, तो मुझे लगा ये स्लाइम टाइप ही है, नेदर वर्ल्ड के स्लाइम है। कोई नहीं, हम लोग हर किसी से फाइट कर सकते हैं। मैं यहाँ मेन पर्पस से आया लूट, मतलब मुझे नहीं मालूम नेदर में क्या, मतलब ये क्यूब बनाए हैं, आई थिंक सो यहाँ लूट के लिए ही लोग ज़्यादा आते हैं। मैं तो यहाँ ब्लेज रॉड के लिए आया हूँ, मेरे को बहुत सारे पोशंस बनाने हैं यार। मुझे ये भी मालूम चला है कि इधर हमें ड्रैगन को मारना है, मतलब मालूम है ऑफकोर्स ड्रैगन को इसमें मारना होता है, उसके लिए बहुत सारे चीज़ें चाहिए, तो सब करेंगे हम लोग। मेरे को एंड पोर्टल बोल रहा हूँ, मतलब वही एंड मिल गया है पोर्टल का। तो मैं पूछा था आप लोगों से एक वीडियो में, डेजर्ट विलेज है उसके नीचे केव में था, मैं देखा हूँ। तो हम जाएंगे जब हम लोग पूरा पावरफुल हो जाएंगे उधर जाने के लिए, मतलब उतना स्ट्रांग हो जाएंगे तो हम ज़रूर जाएंगे। और ये बस मेरे पे फायर ना करे, मुझे इधर भी एक रूम जैसे बनाना है, तो मैं सोच रहा हूँ अभी बना लेता हूँ जल्दी से, क्योंकि इनका भरोसा नहीं है, कभी अटैक करते कभी अटैक नहीं करते है। और इन अटैक करेंगे तो बचूंगा नहीं, मुझे मालूम है। इनको शॉर्ट से इनका जो फायर करते उसको हम लोग मतलब उससे हम लोग फाइट कर सकते बोलते हैं, मैं देखा हूँ मतलब, लेकिन अभी तक मैं उतना एक्सपीरियंस नहीं हूँ कि मैं इतना फाइट कर सकूँ। वो सब टाइम के साथ जैसे जैसे एक्सपीरियंस हो जाते हैं हम लोग लड़ सकते हैं हर किसी से। और ये बस फायर ना करे, मेरे को वही चीज़ का डर है। तो मैं जल्दी से लगा के गाइस आप लोगों से मिलता हूँ। तो गाइस हम ऑलमोस्ट कंप्लीट मैं करने वाला हूँ, अब देख सकते हैं मैं पूरा ये रूम बना लिया हूँ इधर,
क्योंकि मुझे भरोसा नहीं है इन सब पे, ये कहाँ से फायर कर दे, बस इधर से गैप रखा हूँ भागने के लिए, मतलब आने जाने के लिए, भागने के लिए खुद को मैं बोल दे रहा हूँ, भागूंगा मैं यहाँ से। कोई नहीं, अभी मैं हाँ इससे पहले मैं घर गया था, अभी मैं थोड़े बहुत आयरन के पिकैक्स बना के, अरे ये कौन मारा, मैं क्या करूँ अबे यार, ये मैं इससे अभी तक ऐसे लगा देता हूँ, नहीं आएगा, जल्दी से यहाँ लगा देते हैं। अबे इसको रुको, शॉर्ट से मारता हूँ इसको, जल्दी जल्दी, ओके मर गया, उसे कुछ ज़्यादा डैमेज पता नहीं क्या हुआ, मैं एक्चुअली पैनिक हो गया, मैं पहली बार इससे मिला, यही है हमारा ब्लेज रॉड, अरे सॉरी ब्लेज है, इसी से हमें ब्लेज रॉड मिलता है, लेकिन मुझे मिला नहीं, मालूम नहीं क्यों। अभी मैं ये पूरा फिलअप कर देता हूँ, वैसे फिर आ जाएंगे ऊपर, तो मुझे मालूम है ऐसे, एक्चुअली मैं ऊपर के लिए रेडी था, नीचे के लिए मैं बिल्कुल रेडी नहीं था, मुझे नहीं मालूम था ये नीचे ऐसे आएंगे। तो चलो कोई नहीं, इससे भी तो हम फाइट कर ही लिए हैं, हम लोग मतलब प्रो हो रहे हैं धीरे धीरे, अच्छा ही खासा प्रो है, हो क्या रहे हम लोग प्रो है गाइस। और देखो मैं इतना हाइट पे आ गया हूँ और अभी तक मेरे पे वो अटैक नहीं कर रहा, तो अच्छी बात है। तो मैं टॉप पे जाके एक और रूम बनाऊंगा, इधर इतना रूम बनाना पड़ रहा है और मैं टॉप पे आ भी गया हूँ, तो ये काम करता हूँ, इधर जल्दी से ना मैं रूम बना लेता हूँ। तो गाइस हम लोग देख सकते हैं, हम लोग ऊपर का पूरा रूम रेडी कर लिए हैं और अभी हमें ऊपर जाना है, लेकिन मेरे पास थोड़े बहुत सामान नहीं है, ये पता नहीं, आई थिंक सो वुड के होते हैं, तो मुझे आई थिंक सो इधर एक्स बनाना होगा। तो मेरे पास अभी वुड है और प्लैंक्स भी है, तो मैं जल्दी से काम करता हूँ, इधर हमारे क्राफ्टिंग टेबल बना लेते हैं और इससे हम लोग जल्दी से हमारे एक्स भी बना लेंगे। तो इसको हम लोग जल्दी नीचे रख के और इसको प्लेस कर देते हैं, तो इधर रख, अरे गलत चीज़ गिर गया, हट, चलो कोई नहीं बाद में तोड़ लेंगे। इस पर क्लिक क्यों नहीं हो रहा है यार, ये लैग हो रहा है जब से मैं नेदर में आया हूँ। तो देखो मैं क्लिक कब किया और अभी खुला है, तो हमारे पास स्टिक्स हैं और स्टोन भी है, तो हम लोग स्टोन के एक्स बना लेते हैं जल्दी से। तो गाइस हम लोग पूरा अपना हमारा बना लिया एक्स और उससे नहीं कट रहा है, मैं बिना मतलब का ही मतलब बनाया सच्ची में, ये हमारे पिकैक्स से ही टूट जा रहा था, मतलब ये हमारे स्टोन टाइप का मटेरियल है, तो मैं गलती कर दिया, कोई नहीं बाद में ऊपर काम आ जाएगा। ऊपर मुझे मालूम नहीं नेदर फोर्ट्रेस में उड़ का कुछ सामान होता भी है या नहीं, लेकिन कोई नहीं, एक्स स्ट्रांग है, किसी पे अटैक करने के लिए भी बहुत काम आएगा, वैसे तो डायमंड का स्वॉर्ड ही ज़्यादा स्ट्रांग होगा। और हम लोग बिल्कुल टॉप पे आ गए हैं, तो मुझे लग रहा है हमारे डायमंड का स्वॉर्ड का काम आएगा, लेकिन मैं रेडी हूँ ऊपर, मुझे मालूम है ऊपर जाते बहुत कुछ आने वाला है। लेकिन गाइस मैं ऊपर आ गया हूँ और मुझे ऊपर आते ये बंदा मिला, ये अटैक नहीं करता है, तो एक काम करता हूँ मैं और ऊपर जाता हूँ थोड़ा, और पता नहीं क्या होगा, पहले ये लगा दूँ, बस यहाँ कोई नहीं, अब ऊपर आ गए, अबे यार प्लेस हो जा, ओ भाई साहब अब मैं क्या कैसे लगूँ, मैं प्लेस और निकाल रहा हूँ मैं, चल आओ इधर आओ, आओ आओ इधर आओ, अबे यार गेम को क्या हो गया। तो गाइस आपको मालूम चल जाएगा हमारे नेक्स्ट एपिसोड में मेरे साथ क्या हुआ है, मुझे मैं क्या बोलूँ, मालूम नहीं आपको नेक्स्ट एपिसोड में मालूम चल जाएगा हमारे साथ क्या हुआ है। लेकिन उससे पहले गाइस चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करो, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, सस्पेंस मतलब रखते हैं, इतना तो बोल सकता हूँ कि अच्छा गया है, बस अब देखना नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।